मुल्तानी फेमिना जहां फैशन वहां, एक ही छत के नीचे विशाल शोरूम, वो सभी ब्रांड जो आपको देते हैं खास पहचान। आबुलेन मेरठ। बहुजन समाज पार्टी द्वारा मेरठ कैंट प्रत्याशी बनाए गए अमित शर्मा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए अमित शर्मा ने कहा कि वह इस सीट पर शत प्रतिशत रूप से काबिज होंगे। वह युवा हैं, नेता नहीं है, जनता से मिलेंगे और निवारण करेंगे उनकी समस्याओं का। कैंट भाजपा का गढ़ कहा जाता था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। इस बार अमित ही चुना जाएगा, लेकिन अमित शर्मा। देखिए क्या कहा अमित शर्मा ने। मैं युवा हूं और मैं युवाओं के लिए, अपनी माता और बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए लड़ने आया हूं। पहला मौका मुझे मिल रहा है, पहला मौका, इस मौके को मैं पूरी तरीके से, इस चुनाव को मैं जीतने का प्रयास करूंगा, जीतूंगा, क्योंकि मेरे पास जीत का आंकड़ा है। मैं 100% इस विधानसभा में जीत लेके जाऊंगा और आने वाली 10 मार्च को आपको रिजल्ट भी आ जाएगा कि कैंट विधानसभा बहुत ही ज़्यादा वोटों से विनिंग हुई है। अच्छा अमित जी, आप बता रहे हैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, एक महिला कैंडिडेट भी आपके सामने आ गई है। हाँ, वो भी से। हाँ, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, वो भी कैंडिडेट हमारे सामने आए हैं, लेकिन वो उनका अपना एजेंडा है, वो उनके किस एजेंडे से लड़ते हैं, लेकिन हमारा एजेंडा ये है कि हम कैंट विधानसभा में पूरा प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराने का, क्योंकि देखिए मैं नेता नहीं हूँ, मैं एक बालक हूँ, मैं एक बच्चा हूँ और अपनी माता और बहनों के लिए मैं सड़क पर चलूँगा, चाहे स्कूटर हो मेरे पास, चाहे मोटरसाइकिल हो मेरे पास, चाहे साइकिल हो, और साइकिल भी नहीं होगी ना तो मैं टेम्पो में आऊँगा और प्रत्येक विधानसभा में, प्रत्येक घर पर जाकर मैं प्रयास करूँगा कि मैं उनके पास पहुँचूँ और उनकी परेशानियों को सुनूँ और उन्हें उनका निवारण करूं। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में है कोरोना काल में प्रचार कैसे करेंगे? देखिए बंद, जनसंपर्क बंद, चुनावी नुक्कड़ सभाएं बंद, देखिए बड़ी समस्या। देखिए देखिए जो हमारे माननीय कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं, जो सरकार की गाइडलाइंस हैं, उन्हें मानकर हम भी पूरा पालन कर और ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। और अगर किन्हीं कारणवश, देखिए 20 दिन बहुत कम होते हैं ये तो हमें भी पता है, लेकिन हम बहुत पहले से सोशल वर्किंग करते आ रहे हैं। हम व्यापार संघ में उपाध्यक्ष हैं, मेरे बड़े भाई गौरव शर्मा, और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो उस माध्यम से हम पब्लिक के से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए इतना ये चैलेंज नहीं है। हम उनके दिलों तक पहुंचेंगे और उनके सुख दुख में हम खड़े रहेंगे। जी, वो कहा जाता था, अब नहीं कहा जाएगा। अब आने वाले टाइम में आपको ये बहुजन समाज पार्टी का और एक युवाओं की जीत होगी, आप देखना, निश्चित हम जीतेंगे और इस बात को हम बिल्कुल ये साबित करेंगे कि ये गढ़ नहीं है, ये मजबूरी में उन्हें वोट गई थी। दो बार उन्हें कैंट की विधानसभा से के सभी मेरे सम्मानित लोगों ने उन्हें चांस दिया है, उन्हें काम करने का मौका दिया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।